किसी भी कक्षा के छात्र हों, आप कोई डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं और आपकी छात्रवृत्ति नहीं आई और आप से परेशान है कि छात्रवृत्ति आपकी आनी चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको छात्रवृत्ति मिले इस वर्ष की, तो बड़ी अपडेट इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं। अगर आपने ये कर लिया तो इस बार आपकी छात्रवृत्ति पक्का आएगी और ये इस बार की नहीं है, पिछली बार की ही छात्रवृत्ति है जहां पर एक बार आपको मौका मिलने जा रहा है, जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। हम ऐसे ही अपडेट लेकर आते हैं, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अवसर मिला है छात्रवृत्ति आवेदन से चूके छात्र, कल से करें आवेदन। जी हाँ, इस बार जो अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे उनको छात्रवृत्ति यहाँ पर अवश्य दी जाएगी। यहाँ पर मास्टर डेटा तैयार किया गया है संस्थान से और जिसके लिए आप 4 मार्च से, जी हाँ 4 मार्च से आवेदन कर पाएंगे यानी कल से, और 17 मार्च 2021 तक आपको यह मौका दिया गया है आवेदन करने के लिए। इसमें छात्र और छात्राएं सभी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करें, जिसका सत्यापन हो जाने पर आपको यहां पर जो आपकी छात्रवृत्ति है वो यहां पर भेजी जाएगी। अगर इसमें आपकी कोई गलती होती है तो यहां पर 13 से 15 मार्च इन्हीं तारीखों के बीच में आपको त्रुटि में सुधार करने का भी मौका दिया जाएगा। 10 मार्च को एक मास्टर डेटा तैयार किया जाएगा उसी समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा, यहाँ जो बताया जा रहा है उसी के आधार पर आपको छात्रवृत्ति यहाँ पर प्रदान की जाएगी। सीएम को शिकायत प्रेषित की गई थी बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा, इसलिए यह मौका दिया जा रहा है और इस बार अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको छात्रवृत्ति अवश्य मिलेगी। और आवेदन करने के लिए उसी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप तुरंत आवेदन करें, एक दिन भी आप मत चूकें, आवेदन करें। अन्य कोई भी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।